नमस्कार दोस्तों अगर आपकी कुंडली में भी बृहस्पति देव खाना नंबर दस में बैठे हैं तो चालाकी करना सीख लीजिए वरना आपकी कुंडली में तरक्की जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी या दोस्तों बृहस्पति जिन लोगों की कुंडली में खाना नंबर दस में होता है तो उनकी किस्मत चमकने की चाबी सिर्फ और सिर्फ चालाकी होती है अगर आप चालाक नहीं हैं चालाकी से अपने काम नहीं निकलवाते आपको अपना कारोबार में अपना काम निकलवाना नहीं आता तो आपकी तरक्की नहीं हो सकेगी अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति दसवें में है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं क्या प्रिकॉशंस हैं क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में डिटेल से जानना है तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा लेकिन उससे भी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए और आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा तो शुरू करते हैं बृहस्पति के जो सारे सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं सबसे पहले सिम्टम्स की बात करेंगे जिन लोगों का गुरु दसवें में होता है उनके घर में सोना या गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या फिर गिरवी रखना पड़ जाता है गुरु दसवें में होने के नाते बुजुर्गों को अपने कारोबार के लिहाज से जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है लेकिन इनको ज्यादा करनी पड़ती है जिन लोगों का गुरु दसवें में होता है उनके परिवार में अक्सर दो शादियां किसी ना किसी की जरूर हो जाती हैं उसके साथ साथ उनके रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसी लेडी जरूर होती है जिसकी कोई ना कोई चचेरी या मौसेरी या कोई इस तरह की कोई बहन उनके ही घर में शादीशुदा हो या इनके परिवार की दो लड़कियां किसी एक घर में शादी करके चली जाती हैं गुरु खाना नंबर दस में होने के नाते ऐसे लोग बहुत ही भला करने की सोच रखते हैं उनको हर एक शख्स के दुख में अपना दुख महसूस करना शुरू हो जाता है और लोगों का भला करने के चक्कर में ऐसे लोग अपना नुकसान करवा लेते हैं गुरु दसवें में होने के वक्त ऐसे लोग जो हैं वो अपने मुंह से रोटी निकाल के दूसरे के मुंह में डाल देते हैं अपने लिए जो कारोबार की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लोगों को सजेस्ट कर देते हैं और खुद कई बार उसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाने की वजह से अपनी तरक्की को गवा के बैठ जाते हैं जितना ये लोग लोगों का भला करते हैं उतना ही ज्यादा अपने साथ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं उतना ही उनको क्रेडिट नहीं मिलता और क्रेडिट ना मिलने की वजह से ऐसे लोग परेशानी में अपना समय व्यतीत करते हैं गुरु दसवें में होने के वक्त ये लोग जो होते हैं इन लोगों को अपना काम करते समय इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इनको सिर्फ अपने ही काम से काम रखना है चलाकी इनकी किस्मत की बुनियाद होती है इनके आस पड़ोस में कोई ना कोई टीचर कोई ना कोई ब्राह्मण या कोई ना कोई कर्मकांडी पुजारी सुनार और बृहस्पति के प्रोफेशन यानी कि टीचिंग प्रोफेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अक्सर देखने को मिलते हैं जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो या उनके कारोबार भी डाउन हो जाएं। इनके आस पड़ोस में अक्सर कोई अनकम्प्लीट बिल्डिंग या कोई पुराना खंडर हो चुका स्कूल या कोई ना कोई खराब हो चुकी इमारत जिसको देखने में वो अच्छी अपटूडेट ना लगे खंडर खस्ता हत की इमारत तकरीबन देखने को मिलती है गुरु खाना नंबर दस के वक्त इन लोगों की नेचर जो है वो इस तरह की होगी ये लोग चालाकी कर ही नहीं पाते हर वक्त भला करते रहना है हर वक्त राम का नाम लेते रहना है भगवान का नाम लेते रहना है और जितना ज्यादा धार्मिक ये लोग होते जाते हैं उतना प्रॉब्लम में फंसते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको धार्मिक नहीं होना मीन टू से पाठ पूजा का धर्म का एक समय फिक्स कर लीजिए कि दिन में इतना पाठ पूजा करना है उसके बाद कारोबार पे ध्यान देना है बृहस्पति में ग्राउंड एनर्जी को उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि दसवां घर शनि का होता है और शनि होती है चालाकी और कारोबार जितना कारोबार पे फोकस रहोगे जितना चालाकी से कारोबार करोगे उतनी एक्सपेंशन उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी और अगर आपका ध्यान बृहस्पति के एट्रीब्यूट यानी कि भलाई की तरफ ही रहेगा तो कारोबार में तरक्की नहीं कर पाओगे ऐसे लोग तेरा तेरा करके तोल देते हैं खुद पछताते रहते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा अब करना क्या है कि चलाकी किस कदर हो चलाकी और मक्कारी में बहुत फर्क होता है मक्कारी क्या होती है कि किसी का बुरा करना लेकिन बृहस्पति दस के वक्त अपने काम से काम रखना है भाई अगर तेरे हैं पैसे तो तू लेके जा अगर मेरे हैं तो मुझे दे के भी जा ये लोग क्या करते हैं जब पेमेंट इकट्ठी करने जाते हैं ना तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं आ जाएगा तो उस चक्कर में आगे जो होते हैं हैं वो भी लटकते रह जाते हैं। इन लोगों के रिश्तेदार जो जिम्मेदारी बना के इनको क्रेडिट दे के इनको बातों में उलझा के इनसे प्रॉपर्टी के शेयर्स भी छीन लेते हैं गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लेते हैं या उनको बड़ा बोल बोल के एप्रिसिएशन कर करके अपना काम निकलवा के साइड में हो जाते हैं और गुरु दस वाला इंसान रोता चला जाता है और इसी वजह से इनको अपनी प्रॉपर्टी में ही अपने ही बुजुर्गों की प्रॉपर्टी में से शेयर जो है वो ढूंढना पड़ता है कई बार हाथ से शेयर छीन के ले जाते हैं लोग इसको इस हद तक चलाकी गुरुदस वालों को करनी चाहिए कि अगर उसको एक ही समय पर दो औरतें भी रखनी पड़े ना तो दोनों औरतों को पता ना चले कि भाई इस शख्स ने दो शादियां कर रखी हैं यानी कि मैनेजमेंट की जो टेक्निक है उसमें भी चलाकी भरी हुई हो चलाकी से अपने लेबर से अपने काम करवाने जो है वो भी उसके लिए भी चलाकी इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लेबर को ट्रीट करते हो उनको अपना ही बच्चा समझते हो तो आपकी लेबर आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली इसलिए चलाकी अपनाइए चलाकी अपनाने के साथ साथ और उपाय भी हैं गुरु दस वाले के पिता का काम भी स्लो हो जाता है तो उपाय बता रहा हूं कि अगर आपका बृहस्पति खाना नंबर दसवें में है और आपके पिता का काम स्लो होता चला जा रहा है तो आपको तांबे का वन पैसा 1962 या 55 के आसपास वन पैसा का कॉइन चलता था जिसमें कोई छेद नहीं होता था वो कॉइन 43 डेज रेगुलर आपको चलते हुए पानी में जल प्रवाह करना है ये करने से आपके पिता का काम जो है वो ट्रैक पे आ जाता है अच्छे से होना शुरू हो जाता है क्लाइंटेज अच्छी होनी शुरू हो जाती है तो यही रेमेडी जो है उन लोगों के लिए भी काम करती है जिन लोगों का गुरु दसवें में होने की वजह से प्रेगनेंसी अचीव ना हो रही हो तो ये एक ही उपाय डबल तरीके से अपना असर दिखाएगा ये रेमेडीज गुरु दस वाला कोई भी शख्स कर सकता है अब गुरु दसवें में जब सोने का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा हो तो आपको वहां पर गुरु को स्थापित करने की जरूरत बहुत पड़ती है तो वो गुरु को स्थापित कैसे किया जाता है? उसका उपाय है सफेद रंग की पगड़ी को सिर पे बांधना और उसके ऊपर केसर का तिलक करना अब तो पगड़ी का लॉजिक क्या है कि पगड़ी दस्तार जो है जिसको खुद लपेट के बांधा जाता है वो बृहस्पति की होती है और उसका सफेद रंग इसलिए लिया जाता है क्योंकि हर ग्रह का ग्रहफल और राशिफल की टेक्निक के लिहाज से अपने से सातवें घर की मदद यानी कि दसवें का ऑपोजिट सातवां हो गया फोर्थ हाउस जो कि चंद्रमा का है इसलिए सफेद रंग की पगड़ी को अगर सिर पे बांधा जाए और उस पर केसर का तिलक लगाया जाए तो बृहस्पति दसवां स्थापित हो जाएगा और घर में जो सोने के नुकसान हो रहे हैं वो नुकसान रुक जाएंगे इसके साथ साथ आपको और क्या करना है इसका एक और लॉजिक है पगड़ी बांधने से अब पगड़ी अगर ना बांधी जा सके तो सफेद रंग की टोपी बताई जाती है लेकिन टोपी किस मीन में असर दिखाएगी टोपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कारोबार के लिए असर दिखाएगी क्योंकि टोपी जो है वो बुद्ध की होती है टोपी को अगर आप बांध सिर पे पहनते हैं तो उसका लॉजिक क्या है कि ये जो दशम द्वार होता है ये एरिया जो टटरी की जगह भी बोली जाती है दशम द्वार भी बोला जाता है ये एरिया बृहस्पति ग्रह का होता है और इसके ऊपर शनि ने अपना असर डाल रखा है काले बालों के लिहाज से इसलिए सफेद टोपी पहनी जाती है क्योंकि अगर बृहस्पति मंदा हो जाए तो बुद्ध बन जाता है तो जब सफेद टोपी आप पहनेंगे तो वो कहाँ पहननी है कि सिर्फ धूप आपके काले बालों के सिर पे ना पड़े आपके सिर को दशम द्वार को बारहवें घर को जो है वो सफेद रंग कवर करके रखे मीन टू से कि चाहे आप टोपी पहने चाहे आप दस्तार बांधें पगड़ी बांधें तो आपका जो है वो दशम द्वार या काले बाल जो हैं उसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े ताकि आपकी पैसे की सेविंग हो सके और काला नंगा सिर मंगल बद का होता है इसलिए वो मंगल बद को भी जब सफेद रंग की टोपी या दस्तार कवर करेगी तो मंगल भी नेक में कन्वर्ट हो जाएगा औलाद पैदा करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं कारोबार में भी तरक्की मिल जाती है अपॉर्चुनिटीज कैश हो जाती हैं जो कि बृहस्पति दसवें वाले को बहुत प्रॉब्लम आती है पेमेंट लेने में तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि गुरु दस के विद विदिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है छोटे छोटे और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो कि हम लाइव डिस्कशन में या आपके क्वेश्चन में करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो सुनने के लिए गुरु ग्यारह और बारह बहुत जल्दी आ रहे हैं थैंक यू वेरी मच और कोर्स तो लॉन्च हो ही रहा है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद